हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से जेई की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइस, ये जो वीडियो है ये किस बारे में है आपको शायद थंबनेल से पता लग ही गया होगा और हेडिंग से भी पता लग गया होगा। इट इज अबाउट दैट हाउ टू अवॉइड सिली मिस्टेक इन द एग्जाम्स एंड हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, इस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इसके बारे में टिप्स को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो है आपके लिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। दैट इज रिगार्डिंग AOTS 2018। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स AOTS को ज्वाइन करना चाह रहे थे जो 5 दिसंबर तक AOTS को ज्वाइन नहीं कर पाए, और कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको उसके बारे में बाद में पता लगा। तो उन सब स्टूडेंट्स के लिए 29, 30 and 31, यानी इस साल के आखिरी 3 दिन, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 29, 30 and 31st जो है उसको हम AOTS के स्लॉट्स दोबारा से ओपन कर रहे हैं, एंड देर आर टोटल ऑफ 200 स्लॉट्स। तो अगर वो स्लॉट्स पहले फिल हो गए, 29 को फिल हो गए, तो हम उसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। सो गाइज, हियर इज द लास्ट चांस फॉर ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन इफ यू रियली वॉन्ट टू ज्वाइन। ओके, सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि एग्जाम के अंदर सिली मिस्टेक्स हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देखो, सिली मिस्टेक्स से स्टूडेंट बड़े परेशान होते हैं एग्जाम देने के बाद। अगर आप एनालाइज करो तो यू विल सी कि लगभग 20 से 30 नंबर हम सिली मिस्टेक्स की वजह से अवॉइड, मतलब मार्क्स लूज कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हम क्वेश्चन को मिसरीड करते हैं। क्वेश्चन में पूछा होता है विच इज द फॉलोइंग इज करेक्ट, लेकिन आप क्या कर देते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रीड कर लेते हो। या फॉर एग्जाम्पल, आपसे पूछा होता है विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आप पढ़ लेते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो क्वेश्चन को मिसरीड करने की वजह से सिली मिस्टेक्स होती है, फॉर्मूला गलत लगाने की वजह से मिस्टेक्स होती हैं, काफ़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं, कैलकुलेशन वाली मिस्टेक्स होती हैं। तो कैसे उनको अवॉइड करें ताकि आप 20-30 नंबर अपने सिर्फ इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। यानी आपको कुछ अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कुछ ऐसा करना है जिससे ये मिस्टेक्स अवॉइड हो जाए और आपके 20-30 नंबर बढ़ जाए। सोचो, अगर आपके 20-30 नंबर इंक्रीज हो गए बिना एक्स्ट्रा पढ़े तो कितना मजा आ जाएगा। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स इससे रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली टिप और सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज सो दैट यू विल बी एबल टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स इज अवॉइड सिली मिस्टेक्स एवरीवेयर। हमेशा ये आदत रखो कि मिस्टेक्स आपको करनी ही नहीं है। ऐसा नॉर्मली लोग कहते हैं कि मिस्टेक्स करो करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे सीखते रहो। मैं कहता हूँ मिस्टेक्स करने की आदत ही मत डालो। अगर आपकी मिस्टेक करने की आदत रेगुलर रहेगी तो सडनली एग्जाम में आप एकदम से ऐसा कैसे कर सकते हो कि आज मैं एकदम से सिंसियर हूँ और गलतियाँ नहीं करूँगा। तो जब आप क्लास में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, आप घर में प्रैक्टिस के दौरान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो, उस समय भी आपको गलतियाँ नहीं करनी है। हर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और हमेशा आपको एग्जामिनेशन मोड में रहना है। हर क्वेश्चन को उस तरीके से सॉल्व करना है कि एग्जाम में आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आता है तो आप कैसे उसको अटेम्प्ट करोगे। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज प्रैक्टिस इन द एग्जाम मोड। एग्जाम मोड में ही तैयारी करनी है, तब जाके आपकी आदत एग्जाम में भी बनी रहेगी और आप सिली मिस्टेक्स एग्जाम में नहीं करेंगे। अगला पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स। हम कैलकुलेशन की बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और कई बार फॉर्मूले को गलत लगा देते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में जो लाइक फॉर्मूला वगैरह होता है या जो भी आप कैलकुलेशन करते हैं उसको नीटली करें। कई बार हम बहुत ही जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देते हैं और हम खुद की राइटिंग समझ नहीं पाते। जैसे आंसर होगा अपना 5.9 लेकिन हम कर देंगे 59.03। तो हमको कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है और अपनी राइटिंग जो लिखनी है कैलकुलेशन करते हुए वो राइटिंग अच्छी रखनी है ताकि हम उसको अच्छे से खुद ही समझ पाए। थर्ड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर पेपर लेटर से आप पेन पेपर आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आप क्वेश्चन के कीवर्ड्स जो हैं वो क्या करें, अंडरलाइन जरूर करें। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो आप नॉट को एक रेड पेन से अंडरलाइन कर लें ताकि क्लियरली आपके दिमाग में रहे कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी चीज सही नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। अगर आप ऑनलाइन फॉर्मेट में एग्जाम दे रहे हैं तो आप क्वेश्चन का नंबर लिख के उसका की जो वर्ड है वो आप लिख सकते हैं थोड़ा सा, ताकि आप ध्यान रखें कि ताकि वो क्वेश्चन मिसरीड ना हो जाए। अगला पॉइंट है क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। क्वेश्चन को ढंग से ना पढ़ने की वजह से ही हमारी मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स होती है। तो यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें कैसे, अगर हम ज़्यादा ही सिंसियरली क्वेश्चन को पढ़ने लग जाएंगे,
तो इसका मतलब अपने अंदर डर बैठा हुआ है, इसलिए हम बहुत आराम आराम से पढ़ रहे हैं। और अगर हम डरेंगे तो क्वेश्चन को एक्चुअली हम पूरे फोकस के साथ नहीं पढ़ पाएंगे। तो आप बिना किसी एंग्जाइटी के क्वेश्चन को फेयरली मजे से पढ़ें, दो रीडिंग लें। पहली रीडिंग बहुत ही फास्ट होनी चाहिए और दूसरी रीडिंग होनी चाहिए स्लो स्लो रीडिंग, जिसमें आप कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि क्वेश्चन रियल में क्या पूछना चाहता है। ओके, अगली बात है यू हैव टू चूज द बेस्ट ऑप्शन। कई बार क्या होता है, एक ही सवाल के कई ऑप्शन लगभग क्लोज होते हैं और करेक्ट होते हैं, लेकिन यू हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन ताकि इस तरह की सिली मिस्टेक आपकी ना हो। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक अवॉइड करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल है आपके ब्रेन की एक्टिविटी का। अगर आप काफ़ी एक्टिव हैं, आपका ब्रेन काफ़ी सही से चल रहा है, तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ही अच्छा होगा और आप मिस्टेक्स को मिनिमाइज करेंगे। उसके लिए आपका हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए रेगुलर अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, खासकर उस दिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ब्रेन में ऑक्सीजन का फ्लो आपका अच्छा होना चाहिए। तो कोशिश करें कि रेगुलर एक्सरसाइजेस करें और अपनी हेल्थ को अच्छा रखें, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें ताकि ऑक्सीजन आपके अंदर काफ़ी अच्छे रहे। आप चाय कॉफ़ी का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। और पानी आप रेगुलर इंटेक कर सकते हैं ताकि ब्रेन आपका रेगुलर वर्क करे। नहीं तो आप देखना, बहुत सारी सिली मिस्टेक्स हमारी पता है कब होती है, तब होती है जब एग्जाम का हाफ टाइम बीत चुका होता है। शुरुआत में हम गलतियां कम करते हैं, बाद में हम ज्यादा करते हैं। तो इसलिए अपने ब्रेन की एक्टिविटी को लगातार मेंटेन करने के लिए हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें। सो गाइस, ओवरऑल मैं समराइज करना चाहता हूँ। एक तो मैंने आपको नोटिफिकेशन बताया कि AOTS रजिस्ट्रेशन कल से चालू हो रहे हैं, यानी 29, 30 एंड 31 को चालू हो रहे हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन, दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके जो लिंक है उसमें गिवन है, जो लिंक गिवन है उसको आप यूज कर सकते हैं टू ज्वाइन AOTS। उसके अलावा ओवरऑल जो टिप्स मैंने दी उसमें पहली बात यह है कि ऑलवेज प्रैक्टिस इन द एग्जाम मोड। हमेशा एग्जाम मोड में रहना है, हर क्वेश्चन को तवज्जो देनी है, फील के साथ उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला पॉइंट, यू हैव टू मेंटेन योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, यू हैव टू मेंटेन योर हेल्दी लाइफस्टाइल। उसके अलावा यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। उसके अलावा जब रफ वर्क करेंगे तो उसमें भी अपनी राइटिंग का ध्यान देना, नहीं तो पता लगे उसी में ही खुद की राइटिंग नहीं समझ पाए और काफी सारे एरर्स हो गए। सो गाइज, आई होप आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिली होगी, आपको काफी मजा आया होगा। और अगर आप चाहते हो इस तरह से ही मैं वीडियो फेस टू फेस काफी सारे बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।